लोग हैं, मतलब कि अगर उनसे कोई चीज़ पूछो तो आगे से गुस्से या एटीट्यूड से नहीं बात करते हैं, और बल्कि अमीर भी होंगे तो हम बस ऐसे ही बात करेंगे जैसे बराबर हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जब मैं आया तो मैंने आते ही एयरपोर्ट पे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा वहाँ के लोगों से कि यहाँ किसका होल्ड है, मतलब किस नेशनैलिटी का होल्ड है। तो कहते हैं कि बाकी अब कंट्रीज़ में अरबों का होल्ड है, यहाँ सब बराबर है, मतलब चाहे अरबी हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बंगाली हैं, सब बराबर हैं, इसमें यहाँ इंसाफ होता है। ये एक बद्दू साइकिल पे जा रहा है। ये काफ़ी धूप है, पर मैं आप लोगों के लिए सिर्फ ये एक्सक्लूसिवली दिखाने के लिए कि ये बेसिकली यहाँ का कल्चर क्या है और कैसा है, ये दिखाने के लिए सारा आपको ये सब वीडियो बना रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको भी पता चल जाए कि ये जो बड़े कंट्रीज़ हैं इनकी भी जो सारा जो ग्रोअप हुआ है ये एग्रीकल्चर बेस पे हुए हैं ये सारे के सारे। इस गांव में यहाँ मुझे एक भी घर मिला। ये आपने क्या रखी है भाईजान? बकरी है, उधर गाय है, उधर कबूतर भी है। कबूतर भी हैं उधर? हाँ, मैं बैठा हूँ ना कबूतर थोड़ा ऊपर। जी अच्छा, तो वो कबूतरों वगैरह को देखते हैं। तो आप कहाँ से? मुल्तान से? अच्छा, तो ये भाई मुल्तान से हैं, अभी इनसे तारुफ हुआ है। ये सलाला का गांव है, वहाँ इन्होंने मेरे ख्याल में ये अपनी भैंसें रखी हुई हैं। ये देखें, बहुत ही एक इनका ज़बरदस्त किस्म का अंदर निज़ाम रखा हुआ है। पीछे मुर्गियाँ भी हैं, आगे कबूतर हैं। ये गांव वगैरह का गाय वगैरह इनके लिए डरबा बनाया हुआ है सारा, बकरियों के लिए, उनके लिए, सॉरी मुर्गियों के लिए। चलें, ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली दिखाने का मकसद यही था कि यहाँ के गांव और यहाँ की नेचुरल लाइफ, दूसरी बिल्डिंग्स और ये चीज़ें तो सभी देखते हैं, और आप यूट्यूब के ऊपर आपको नज़र आ जाएंगी बहुत इजीली, वहाँ की मेन बिल्डिंग्स, मेन जो वहाँ की निशानी है, ये चीज़ें बहुत कम लोग कवर कर रहे हैं आजकल। और मैं चाहता हूँ कि ये आप, ताकि आपको भी प्राउड हो कि हमारे पाकिस्तानी भाई, एक भाई हमें मिले थे पाकिस्तानी, वो कहाँ थे, कहाँ पहाड़ियों के ऊपर थे, और रहीम खान से थे, ये भाई मुल्तान से थे, मुल्तान से हैं। तो हमारे सब के माशाल्लाह पाकिस्तानी भाई हर जगह पे फैले हुए हैं, और अल्लाह सलामत रखे, सब अपने घरों घरों से आए हुए हैं रोज़ी कमाने के लिए।